औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं जैतून के तेल के बारे में, जैतून के तेल के बारे में, इसके फ़ायदे के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जैतून के तेल के बारे में कौन बहुत कम लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। आज हम लोग आपको इसके ऐसे हैरत अंगेज़ फ़ायदे बताएँगे जो आपने शायद पहले कभी ना सुने हों। तो व्यूअर्स, आज हम लोग बात कर लेते हैं जैतून के तेल के। जैतून के तेल के इतने सारे फ़ायदे हैं कि इसको एक छोटे सी वीडियो में बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताई जा सके। जैतून के तेल के इतने सारे फ़ायदे हैं कि इनमें से एक ये भी है कि यह आपकी जिस्मानी ताकत और कुव्वत मुदाफियत में इजाफ़ा करता है। गुर्दों के अमराज, दांतों, बालों समेत मुख्तलिफ अमराज के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जैतून का तेल 70 बीमारियों की शफा है। जैतून का तेल सेहत और खूबसूरती के लिए, सेहत और खूबसूरती के लिए मौजू है, इसलिए आपको चाहिए कि आप हर रोज़ जैतून का तेल का इस्तेमाल करें। ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि जैतून का तेल एक बेहतरीन शफा का ख़जाना है। अगर हम लोग बात कर लें, तो अगर आप जैतून के तेल की अपने जिस्म पर मसाज करें, तो आपके जिस्म के जो हिस्से, ख़ास तौर पर जो जिंसी अज़ा हैं, इनमें खून की गर्दिश को तेज़ करता है, जिसकी वजह से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। और अगर आप मर्दाना कमज़ोरी जैसी कोई भी बीमारी का शिकार हैं, तो ये उससे भी आपको निजात दिलाता है। तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैतून के तेल का इस्तेमाल बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आपने हर रोज़ एक छोटा चाय का जो चमचा होता है, उसे आपने ले लेना है। आप अगर अंडा बना रहे हैं, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खाना बना रहे हैं, तो आपने उसमें भी एक चमचा आपने डाल लेना है। यहाँ मैं आपको एक बात और बताता चलूँ कि आपने जैतून के तेल को ज़्यादा पकाना नहीं है। अगर आप इसको ज़्यादा पकाते हैं, तो इसकी अफादियत कम हो जाती है। आप अगर इसे ज़्यादा पकाते हैं, तो इसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है और कम हो जाती है। आपने कोशिश ये करनी है कि जैतून के तेल को रोज़ इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में इसको मामूल बना लें। इसके अलावा अगर आप कोई सैलड खा रहे हैं, तो आप उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। जैतून के तेल की मालिश भी अगर आप करते हैं, तो आपके जिस्म, जैसे कि आप सर्दी हैं, तो आपने एक थोड़ा सा जैतून का तेल ले लेना, उसे हल्का सा गर्म कर लेना है, उसकी अपने पूरे जिस्म पर मालिश करनी है। इससे ये होगा कि आपके जिस्म में खून की जो गर्दिश है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपका खून के अंदर जो नशुनमा का अमल है वो तेज़ हो जाएगा, और आपका जिस्म में इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो बस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद कर दूँगा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।